एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 इंट्रो इंट्रो, इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर हम दो फंक्शन को कंबाइन करें तो हमको एक नया फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर हम दो फंक्शन को कंबाइन करें तो हमको एक नया फंक्शन मिलेगा और उसके डोमेन और रेंज भी बदल जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि जैसे एफ एक्स बराबर है, सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर हम एफ एक्स की जगह पर अगर हम वाई लिख दें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन। अगर हम एक्स की जगह पर अगर हम जी एक्स लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये जी एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इसे जी एक्स बराबर अगर हमने दिया है, जी एक्स बराबर साइन एक्स लिया है, जी एक्स बराबर साइन एक्स लिया है, तो जी वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन वाई। अगर मैं कह दूं जी टू एक्स प्लस फाइव बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन टू एक्स प्लस फाइव, टू एक्स प्लस फाइव। इस तरह से पहले तो हम यह सीख रहे हैं यहाँ पर कि कैसे डोमेन को चेंज करने पर को डोमेन कैसे चेंज हो रहा है। आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो इसको हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक तो एफ ऑफ जी फाइव कहेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ इसको पढ़ेंगे एफ ऑफ जी एक्स, और एक पढ़ेंगे हम जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। दो तरह का कॉम्बिनेशन आपका हो गया। देखिए अब हम यहाँ देखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ जी एक्स, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा अब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, जी एक्स का स्क्वायर प्लस वन। एक्स की जगह पर क्या हो गया, एक्स की जगह पर जी एक्स हो गया, जी एक्स स्क्वायर प्लस वन, और जी एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस वन बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसी तरह से गाफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ एक्स, यानी गाफ एक्स पढ़ते हैं इसको, इसको फाग एक्स पढ़ते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स। चलो अब एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ गया, एफ एक्स। तो यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, तो बराबर कॉस एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस तरह से आपने
कंबाइन कर दिया दो फंक्शन को. पोज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज. एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर टू है आपका, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एच एक्स दूसरा फंक्शन है, एच एक्स बराबर मारुलस एक्स, मारुलस एक्स. अब आप इसको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एच एक्स और एच ऑफ एफ एक्स, दो तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं. इसको लिख सकते हैं एफ एच अंडर रूट एक्स, सॉरी एफ एच एक्स लिख सकते हैं कि नहीं. अच्छा, अब एफ एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स की, देखो एक्स की जगह पर क्या आ गया, एच एक्स. तो जहां एक्स स्क्वायर है वहां क्या लिखेंगे, एच एक्स का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एच एक्स का स्क्वायर प्लस वन. और एच एक्स कितना है, मॉडुलस एक्स, कितना है, मॉडुलस एक्स का स्क्वायर प्लस वन. ठीक है, अब यहां पर है एच ऑफ एफ एक्स, या एच ऑफ एफ एक्स बराबर एच एफ एक्स. अब एच एक्स ध्यान दीजिए, पहले एच एक्स जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, एफ एक्स. देखो यहां एक्स तो मॉडुलस एक्स, यहां एफ एक्स तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस एफ एक्स. और एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वन. हो गया, तो अब चलिए इसको नोट करिए, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं. हाँ, तो उसमें हमें देखते हैं कि कैसे डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन कैसे चेंज होता है आफ्टर कॉम्बिनेशन. मतलब कि डोमेन एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन, एंड कोडोमेन, डोमेन एंड कोडोमेन आर चेंजेज, आर चेंज्ड आफ्टर द कॉम्बिनेशन, आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के कॉम्बिनेशन के बाद डोमेन और कोडोमेन चेंज हो जाते हैं. इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक फंक्शन, एक क्वेश्चन लेते हैं कि फंक्शन है ए से बी में, एक फंक्शन ए से बी में है, और आपका ये जो फंक्शन है यह डिफाइन है एफ एक्स बराबर टू एक्स. ओके, और एक दूसरा फंक्शन मैं लेता हूं जी सच दैट बी टू सी, और जी एक्स बराबर हम लेते हैं एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, जी एक्स बराबर, पता नहीं दिख भी रहा है या नहीं, जी एक्स बराबर एक्स प्लस फाइव. और चलिए अब पहले हम इसको देखता हूं, ए टू बी है, ये पता है आपको, ये डोमेन होगा, ये क्या होगा, कोडोमेन होगा. अब यहां देखो ये डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है ना. जरा देखो फर्स्ट फंक्शन, मतलब फंक्शन एफ ए टू बी और फंक्शन जी बी टू सी, तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है एक फंक्शन जी है. तो फंक्शन बी का जरा कोडोमेन देखो, फंक्शन ए का, फंक्शन जी का डोमेन हो गया, फंक्शन एफ का कोडोमेन फंक्शन जी का डोमेन हो गया है. चलिए
पहले तो इसी को लेता हूँ मैं, एफ वन बराबर क्या हो जाएगा टू, एफ टू बराबर फोर, एफ थ्री बराबर सिक्स, बस इतना ही लेता हूँ। चलो एफ फोर ले लेता हूँ, एफ फोर बराबर एट। चलिए भाई इधर आता हूँ, जी वन बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा जी वन कहाँ ले रहा हूँ, ये तो बी हो गया, ये तो बी की वैल्यूज हैं, जी टू कितना होगा भाई, ए टू बी है ये एक। अब यहाँ देखो ग्राफ इसका दिख रहा है कि नहीं, शंका होता है बार बार, ये ए है और ये क्या है बी है, इसमें वन लिया टू लिया थ्री लिया फोर लिया, यहाँ टू मिला फोर मिला सिक्स मिला एट मिला, देख रहे हो। तो अब बी की वैल्यूज क्या आई, यानी कोडोमेन की वैल्यू क्या हुई, टू फोर सिक्स एट, और यहाँ फंक्शन क्या है बी टू सी, बी टू सी। अब यहाँ पर यक्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, फंक्शन यफ के कोडोमेन की, एफ टू बराबर सेवन, एफ फोर बराबर चार पाँच नौ, एफ सिक्स बराबर तो छः पाँच ग्यारह, और एफ एट बराबर आठ पाँच तेरह। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, बी अब यहाँ लेंगे सी, बी में क्या है टू फोर सिक्स एट, इसमें क्या हुआ सेवन नाइन अलेवन थर्टीन, टू का इमेज सेवन, फोर का इमेज नाइन, सिक्स का इमेज अलेवन, सी का इमेज अलेवन, एट का इमेज थर्टीन। अब आइए इधर देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये बी कॉमन है। अब जरा देखिए पहले, अब ये मैपिंग कैसे बन रही है, ए बी सी, ए बी सी, ये वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, ये क्या है बी टू फोर सिक्स एट, यहाँ क्या है सेवन एट, सॉरी सेवन नाइन अलेवन थर्टीन, वन का इमेज टू, टू का फोर, थ्री का सिक्स, फोर का एट, टू का सेवन, फोर का नाइन, सिक्स का अलेवन, एट का थर्टीन, एट का थर्टीन। अगर हम देख रहे हैं नहीं, ये दोनों कंबाइन हो गए आपस में, कब कंबाइन क्या हो गया, कॉमन है ये ये। तो आपने देखा कि अभी तो आप केवल ये अपने मन से वैल्यू लिए, वैल्यू ले करके आपने ए पहले ए डिसाइड किया तो बी ऑटोमेटिक डिसाइड हुआ एफ एक्स बराबर टू एक्स से, और जब बी डिसाइड हो गया तो सी डिसाइड हो गया। ओके, यहाँ तक पहले नोट कर लें प्लीज। चलिए अब आप निकालते हैं क्या, गाफ ऑफ एक्स, गाफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा जी एफ एक्स बराबर जी एक्स, जी एक्स एक्स बराबर जी एक्स बराबर क्या है भैया, एक्स प्लस फाइव, यानी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे हम एफ एक्स, बराबर क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस फाइव, एफ एक्स प्लस फाइव, और एफ एक्स क्या है टू एक्स है, बराबर क्या हो गया
2x प्लस 5। अब भैया खूब आराम से निकालिए जी आप एफ वन, तो 2 × 1 + 5 दैट्स व्हाट 7। जी एफ टू, तो 2 × 2 + 5 = 9। g f 3 = 3×6 = 5 = 11। क्या आ जाएगा 11। और g f 4 = 13। क्या आ जाएगा 13। यानी जो आपका गाफ है, गाफ ये किसमें हो गया a टू c। ध्यान दो पहले 1 2 3 4 a, 7 9 11 13। देख रहे हैं आप क्या मिला। अब इसका डोमेन चेंज हो गया, डोमेन ए हो गया और को डोमेन क्या हो गया सी। गाफ का डोमेन और को डोमेन चेंज हो गया आफ्टर कॉम्बिनेशन। इसका यह ए क्या है, ये डोमेन है और सी क्या है, को डोमेन है, को डोमेन है। चलिए ये हो गया गाफ। गाफ क्या आया ए टू सी। ओके अब चलिए भाग देखते हैं। क्या भाग, कोई जरूरत नहीं रही। अच्छा हो सकता है जरूरत पड़ी जाए। भाग एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा एफ जी एक्स, तो एफ एक्स बराबर क्या है 2x, तो एफ जी एक्स बराबर क्या होगा 2gx। एक्स की जगह पर हमने जी एक्स लिख दिया और जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस फाइव। अच्छा भैया अब चलिए इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है पता नहीं। इसका डोमेन और रेंज क्या है ये हमको नहीं पता, ठीक है। चलो जी एक्स का डोमेन क्या है जरा बताओ। जी एक्स का, एफ एक्स का तो क्लियर था कि डोमेन क्या था 1 2 3। जी एक्स का डोमेन क्या है 2 4 6 9। क्या 2 4 6 9। अब देखिए जी एक्स का डोमेन क्या है बताइए 2 4 6 8। ये जी एक्स का है, ये एफ एक्स है, ये क्या है ये जी एक्स है। ये तो जी एक्स का डोमेन क्या है 2। जरा रखो तो एफ ऑफ जी टू, एफ ऑफ जी टू क्या हो जाएगा भैया 2 × 2 = 5। 2 × 5 पाँच और 2 7 × 14 14। बोलो भाई 14। एक 14 तो डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो भी वैल्यू हमने लिया है 1 2 3 के सापेक्ष उसमें 14 आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है फॉग डज नॉट एग्जिस्ट, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो गाफ तो निकल गया, फॉग नहीं निकल पाया, फॉग एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और आपने यह देखा कि गाफ का जो डोमेन होता है वो ये होता है और क्या है को डोमेन जो होता है वो सी है। यानी अगर दो फंक्शन हैं
एफ और जी, एफ और जी, तो ग्राफ निकालोगे, जैसे एफ था ए टू बी, जी था बी टू सी, तो ग्राफ क्या निकला, ए टू सी, ग्राफ क्या निकला, ए टू सी, ठीक है। और फाग तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नोट कर लें प्लीज। तो एक क्वेश्चन है आपका, एफ सच दैट 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 9 एंड जी सच दैट 3, 4, 5, 9 to 7, 11, 15 और दिया है एफ 2 बराबर 3, एफ 3 बराबर 4 और एफ 4 बराबर एफ 5 बराबर 5, जी 3 बराबर जी 4 बराबर 7, जी 5 बराबर जी 9 बराबर 11, फाइंड द ग्राफ। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने जो ये वैल्यूज दी रखी हैं कि एफ 2 बराबर 3, यानी 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 4 है, पहले फंक्शन में, फंक्शन एफ में, ये फंक्शन क्या है, एफ है, ये फंक्शन क्या है, जी है। तो एफ फंक्शन में 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4 और 4 और 5 का, जरा देखो 4 और 5 का इमेज क्या है, 5, तो मिट गया बताने में, ये टिन टिना टिन, चलो भाई इसका एफ 4 और एफ 5 का इमेज क्या है, 5, मतलब मेनी वन फंक्शन है। यहाँ देखिए जी थ्री जी फोर का इमेज 7 है और जी 5 और जी 9 का इमेज क्या है, 11 है। यहाँ समझने के लिए मैंने आपको ये सिर्फ समझने के लिए ये हमने कर दिया। हमको निकालना है क्या, ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब क्या, ग्राफ ऑफ एक्स यह किस में है, जैसे यह इसमें है, जी इसमें है, ग्राफ किस में होगा, ग्राफ का डोमेन और रेंज क्या होगा। तो इसको ग्राफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, बोलो भाई। अब इसका डोमेन तो हमको पता नहीं, को डोमेन तो हमको पता नहीं, लेकिन जानता हूं ग्राफ का जो डोमेन होता है वह ए टू सी होता है। ये ए है, ये बी है, यहाँ देखिए स्टार्ट से ये बी है, ये सी है। इसका जो कॉन्सेप्ट, पिछला कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं क्या कि जी ऑफ एफ एक्स सच दैट क्या ए टू सी, मतलब 2, 3, 4, 5, 2, 1, C, 7, 11, 15 ये मैं लिख सकता हूँ। ये मेरा आंसर भी हो गया, मेरा आंसर भी हो गया, लेकिन नहीं नहीं, पुष्टि तो करो भाई, पुष्टि तो करो, इसकी पुष्टि करो। पुष्टि कैसे, एफ एक्स का डोमेन क्या है, एफ एक्स का डोमेन 2, 3, 4, 5 है। चलो इसको लिखो, डोमेन रखो जरा, तो जी एफ क्या 2, जी एफ टू, एफ टू बराबर क्या है 3, बराबर G3, G3 की वैल्यू क्या है, G3 की वैल्यू क्या है 7। देखो 2 पर 7 मिल रहा है, हमने कहा ए टू सी, 2 पर 7 मिल रहा है, जरा देखो जी, अब 3 लेता हूँ, एफ थ्री की वैल्यू कितनी है 4, जी फोर का क्या है, जी फोर का वैल्यू क्या है 7, फिर जी एफ फोर की वैल्यू कितनी है भैया 5, तो G5 और G5 की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। तो आप देखते हो G5 की वैल्यू भी क्या है 11। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ हुआ सच दैट, इसका
डोमेन क्या हुआ, 2 3 4 5, 2 3 4 5, और इसका रेंज क्या हुआ, 7 11, 7 11, भाई यही तो आया। इसके आगे तो मान ही नहीं दिया है, इसके आगे G5 बराबर G9 बराबर 11 दिया है, किसके डोमेन को हम क्या मान लें, 7 7 और 11, नहीं 7 11 का यह केवल इतना क्लियर कर रहा है कि डोमेन इसमें जा रहा है, ये वाला 7 11 वाला, 7 11 15 हो गया। इसका क्या डोमेन, इसका सॉरी कोडोमेन, ये कोडोमेन है और ये क्या है, डोमेन है। ओके नोट इट प्लीज। क्वेश्चन है, फाइंड ग्राफ एंड फॉग इफ एफ सच दैट आर टू आर एंड जी सच दैट आर टू आर आर गिवन बाई एफ एक्स बराबर कॉस एक्स एंड जी एक्स बराबर 3x स्क्वायर। एफ और जी दो फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में है। हमको ग्राफ निकालना है, पहले क्या निकालना है, ग्राफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी आप एफ एक्स, बोलो भाई जी एक्स बराबर क्या है, 3x स्क्वायर। जी एक्स बराबर क्या है, 3x स्क्वायर। तो जी एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 एफ एक्स का स्क्वायर। एक्स की जगह पर एफ एक्स हो गया है, एक्स की जगह पर क्या हो गया है, एफ एक्स। तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, 3 एफ एक्स का स्क्वायर बराबर 3 एफ एक्स। कितना है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर बराबर 3 cos² x। ओके अब निकालता हूँ क्या, फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, एफ जी एक्स बराबर, एफ जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की जगह पर क्या रख दूं, एक्स की जगह पर क्या रख दूं, एक्स की जगह पर क्या रख दूं, जी एक्स, कॉस जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस 3x स्क्वायर। अब आपका ग्राफ भी मिल गया और फॉग भी मिल गया। अभी तो ये क्वेश्चन करता, क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए वीडियो को रोकूंगा, तब तक आप नोट कर लें पोज करके। फिर आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, सो दैट एफ सच दैट आर माइनस 7/5 टू आर माइनस 3/5 इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4/5x - 7 एंड जी सच दैट आर माइनस 3/5 टू आर माइनस 7/5 इज डिफाइंड बाई जी एक्स इज इक्वल टू दिस मच। करा देन आपको प्रूव करना है कि फॉग इज इक्वल टू आई ए एंड गाफ इज इक्वल टू आई बी वेयर ए इज इक्वल टू दिस मच एंड बी इज इक्वल टू दिस मच। करा कि आई ए क्या है, आई ए एक्स बराबर एक्स एंड अवेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आई बी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए टू सेट बी। अच्छा भैया आई ए और आई बी क्या हैं, आइडेंटिटी फंक्शन हैं, और आपको बहुत प्यार से बताया गया था कि आइडेंटिटी फंक्शन वह होता है जिसमें जो रखो वही पाओ। एक रखोगे तो एक पाओगे, जैसे जैसे एफ वन बराबर 1, एफ टू बराबर 2, एफ थ्री बराबर 3, इस तरह के जो फंक्शन हैं वो क्या है आपके, आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है आपके, आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके अच्छा ये मामला इतना लंबा क्यों, क्वेश्चन तो देखने पर लग रहा है कि बाप रे बाप ये तो बड़ा टफ है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ये फंक्शन ए टू बी कह सकता था और यह फंक्शन बी टू ए कह सकता था, क्यों क्यों, क्योंकि ए बराबर आर माइनस
3/5 आर माइनस 3/5 ठीक है। अभी बराबर आर माइनस 7/5 मतलब जो ये फंक्शन है ए बी टू ए में डिफाइन है और यह फंक्शन जरा देखो यह ए से बी में डिफाइन है जरा देखो, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया कि बी में 7/5 नहीं होना चाहिए और ए में 3/5 नहीं होना चाहिए। क्यों जरा देखो, यहाँ पर अगर 7/5 रख दें तो यह फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट डिफाइन नहीं है। अगर यहाँ पर 3/5 रख दें तब भी ये पूरे फंक्शन का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है। इसलिए इन फंक्शन को इस सारे रियल नंबर में से इन दो नंबर्स को ये निकाल रखा है, क्योंकि इन दोनों नंबर पर 3/5 और 7/5 पर दोनों फंक्शन क्या है, डिफाइन नहीं है। इसलिए इसने ऐसा किया और ये बता दिया कि ये ए ए है, ए क्या है, बी है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि जो ग्राफ आपका है दैट्स व्हाट आई ए एक्स बराबर एक्स, यही आपको प्रूव करना है। यही आपको तो अगर आप प्रूव क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर ये एक्स आ गया तो बराबर क्या हो गया, ये आई ए एक्स यहाँ पर दे रखा है, कहाँ पर आई ए एक्स बराबर एक्स। ओके दिखाता हूँ, सो सिंपल, बहुत सिंपल है। तो चलिए अब मैं लेता हूँ क्या ग्राफ, लेता हूँ क्या ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा चलो भाई, अब जी एक्स बराबर क्या दिया, 7x+4/5x-3, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 7x+4/5x-7। चलो आगे सॉल्व करो, 7x की वैल्यू रखो क्या 3x+4/5x-7 प्लस 4 पूरे का अपान में क्या हो जाएगा 5fx 3x+4/5x-7 और -3 5x-3 है ना। चलिए इसको मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूं, पहले 7 का मल्टीप्लाई करो 21x+28 अपान क्या 5x-7+4/1 अपान अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 15x+20 अपान 5x-7-3/1। चलो भाई अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ, क्या इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5x-7 ये हो जाएगा 21x। अब तो लोग कहोगे कि साहब पूरा ठीक से सॉल्व करिए, अरे भाई इंटरमीडिएट में है डायरेक्ट करो, 4×20x+28 अपान 5x-7 पूरे अपान। चलो इसको भी करो 15x+20 -15x+21 क्या आया अपान 5x-7। ये तो कट जाएगा भाई इससे, चलो ये 28 से कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 41x, अब नीचे क्या बचा ये कट गया, क्या बचा 41 बराबर x आया कि नहीं, बराबर आई ए एक्स हुआ कि नहीं, हो गया ना। सो सिंपल, अब क्वेश्चन इतना बड़ा, क्वेश्चन इतना बड़ा। अच्छा
इसी लगे हाथ फाग भी निकाल लेता हूं। क्या फाग? फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ जी। इसको ऐसे करता हूं, दो स्मॉल कोष्ठक अच्छे नहीं लगते। ये हो गया एफ एफ एक्स या फी एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव एक्स माइनस सेवन। जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, जी एक्स बराबर थ्री जी एक्स प्लस फोर अपॉन फाइव जी एक्स माइनस सेवन माइनस सेवन। ठीक है, चलो वैल्यू रखो तो थ्री जी एक्स की वैल्यू कितना है, सेवन एक्स प्लस फोर। क्या सेवन एक्स प्लस फोर अपान फाइव एक्स माइनस सेवन। ये भाई कहीं देखो क्वेश्चन को मैं जरा मैं फिर से देख लूँ कि चलो भाई जी एक्स और दोनों तो एक ही है, चलो कोई बात नहीं है। नहीं अच्छा यहाँ माइनस से बने, ठीक है कोई बात नहीं। प्लस फोर अपान फाइव जी एक्स, फाइव जी एक्स सेवन एक्स प्लस फोर अपान फाइव एक्स माइनस सेवन माइनस थ्री। ये बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ देता हूँ ट्वेंटी वन एक्स प्लस ट्वेल्व अपान फाइव एक्स माइनस सेवन प्लस फोर अपान वन। अब पूरे अपान क्या हो गया, देखो पाँच सत्ते पैंतीस, पैंतीस एक्स प्लस ट्वेंटी अपान फाइव एक्स माइनस सेवन माइनस थ्री अपान वन। बराबर फिर करो, अब एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा फाइव एक्स माइनस सेवन। अब ट्वेंटी वन एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी एट। ये भाई गलत हो रहा है क्या, कर देखता हूँ। माइनस ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट अपान थर्टी फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी वन अपान फाइव एक्स माइनस सेवन। ये तो भैया कट गया, क्या बचा अब इक्कीस एक्स और बीस एक्स, इकतालीस एक्स और क्या बचा ये अट्ठाईस में से बारह गया माइनस सोलह अपान और पैंतीस एक्स, तो क्या हो गया ये बीस एक्स प्लस फोर्टी वन, प्लस फोर्टी वन नॉट इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू आई बी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई, लेट मी चेक द क्वेश्चन। भैया ये तो सही है लेकिन एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पर लिख दो कि फॉग ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट कर दो, बस इसकी भी जरूरत नहीं नॉट इक्वल टू। ये है ये तो प्रूव हो रहा है, ये पार्ट प्रूव हो रहा है लेकिन ये पार्ट प्रूव नहीं हो रहा है, ये यहाँ नॉट इक्वल टू होगा। ओके इसको आप नोट करें प्लीज। ये फॉग ऑफ एक्स तो बराबर आई एक्स आ गया, ये वाला तो प्रूव हो गया लेकिन ये वाला नहीं, ये नहीं हो सकता। ये गाफ ऑफ एक्स इक्वल टू गाफ में क्या बोला था मैंने, गाफ में पहले तो गाफ निकाला था, आई ए लिख दिया था क्या, सॉरी थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि जो गाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आया था बराबर हमको ये लिखना चाहिए था क्या
आई बी एक्स ये लिखना चाहिए था, हमने आई ए लिख दिया, बस यही गड़बड़ी किया है उसमें, इसको सुधार लीजिएगा। ये पोर्शन तो आ गया, लेकिन ये पोर्शन पर नहीं आ रहा है, क्योंकि यक्स यहाँ पर यक्स नहीं आ रहा है, यहाँ पर यक्स नहीं आ रहा है, इसलिए ये आइडेंटिटी फंक्शन है ही नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या करूं, इसमें क्वेश्चन में कहा है, देखिए मिस्टेक क्या हो गया इसमें, जी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ -3 है, और हमने -7 रखा था, इसलिए हमारा सब चौपटा नाश हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये हुआ यहाँ तक, तो ये -3 है, ये क्या है -3 है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम यहाँ से आई, 20x-12 होना चाहिए था, क्या -12 होना चाहिए था, और यहाँ क्या होना चाहिए था और यहाँ 5 इतना हुआ, और ये -3 नहीं भाई, -7, ये वाली वैल्यू हमको रखनी थी ना भाग में, तो -7 है यहाँ पर, क्या है -7, यहाँ क्या होगा -7, उल्टा फुलटा मार रख दिया, तो क्या हो गया भैया, तो 7 × 5 = 35, 35x + 21, अब मामला फिट होता नजर आ रहा है, क्या गलती किया हमने, ये तो सही था, इसको इम्प्रूव करना था आपको, तो ये बराबर हो गया क्या, 12 से 12 कैंसिल, 41x बचा, नीचे 35x, 35x प्लस माइनस सैकड़ जाएंगे, अपॉन 41, दैट्स इक्वल टू एक्स, दैट्स व्हाट आई ए एक्स, ओके ओके, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया है आपका, नोट इट प्लीज, ये एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल नंबर 17 एक क्वेश्चन है, सो दैट इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर 1:1, देन प्रूव दैट गॉफ ए टू सी इज आल्सो 1:1। चलो भाई वही पुराना रागमाला, एफ एक्स 1 = एफ एक्स 2, गॉफ या कह दो ऐसे ही कि जी या ऐसे, चलो 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 चलो, गॉफ ऑफ एक्स 1 = गॉफ ऑफ एक्स 2, पहले करो, इसको लिख सकता हूँ कि जी ऑफ एफ एक्स 1 = जी ऑफ एफ एक्स 2। अच्छा बताओ भैया, सिंस जी इज क्या 1:1, 1:1 है, इसलिए x1 = x2, यानी एफ एक्स 1 = एफ एक्स 2, फिर लिखो यहाँ पर सिंस, सो फिर सिंस एफ इज 1:1, इसलिए x1 = x2, जब x1 = x2 आ गया, तो हैंस व्हाट गॉफ सच दैट ए टू सी इज 1:1 फंक्शन, नोट इट प्लीज।